नमस्कार, आप देख रहे हैं इतिहास के पन्नों से ये YouTube चैनल। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। आज हम देखेंगे शाहजी राजे भोसले का इतिहास। शाहजी राजे भोसले वेलूर के राजा के बेटे और मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता थे। शाहजी राजे भोसले मराठा योद्धा मालोजी भोसले के बेटे थे। मालोजी एक बहुत ही सक्षम और बहादुर सरदार थे और इसीलिए उन्हें सरगिरोह बना दिया था और साथ ही पुणे और सुपे जिले का जागीर भी सौंपा था। तब मालोजी भोसले अहमदनगर के निजाम शाह के दरबार में एक सदस्य थे। बहुत लंबे समय तक मालोजी राजे का कोई बेटा नहीं था। फिर कुछ समय के बाद उन्हें दो लड़के हुए। मालोजी राजे ने उन दोनों लड़कों के नाम शाहजी राजे और शरीफ जी रखा था। जब शाहजी राजे छोटे थे तभी उनकी शादी जिजाबाई से कर दी गई। जिजाबाई लखुजी जाधव की बेटी थी और वो भी अहमदनगर के निजाम शाह के मराठा सरदार थे। जब मुगल दखन पे हमला करने वाले थे तब शाहजी राजे भोसले ने उस समय के लिए मुगल सेना में काम किया था। उस समय मुगल साम्राज्य के बादशाह शाहजहां का शासन था, लेकिन कुछ समय बाद उनकी जागीर उनसे छीन ली गई। तो उन्होंने सन 1632 में बीजापुर के सुल्तान की मदद से पुणे और सूबे की जागीर फिर से हासिल की। बीजापुर ने जब केम्पोकोड़ा तीन पर हमला किया था तब 1638 में उन्हें बेंगलोर का जागीर भी प्राप्त हुआ था। आखिर में वो बीजापुर के प्रमुख बन गए थे। एक बार जब शाहजी राजे मऊजी के किले में थे तब उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। मुगल की ताकत से डर कर पुर्तगीज ने भी समुद्र के रास्ते से शाहजी राजे की मदद नहीं की। शाहजी राजे जितने बहादुर और निडर योद्धा थे उससे भी ज्यादा वो एक समझदार व्यक्ति थे। इस युद्ध में शाहजी राजे ने आखिर तक लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई में सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन मुगलों ने अचानक निजाम की छोटे से लड़के मुर्तजा को अपने कब्जे में ले लिया और उस छोटे से बच्चे की जान बचाने के लिए मुगलों ने पूरी निजामशाही का राज्य मांग लिया। मगर उस बच्चे की खातिर शाहजी राजे ने मुगलों को पूरा राज्य दे डाला, मगर बच्चे की जान बचा ली, जिसके कारण पूरी निजामशाही खत्म हो गई थी। शाहजी राजे किसी भी हालत में छोटे से मुर्तजा निजाम को बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने निजामशाही का राज्य शाहजहां को सौंप दिया। शाहजहां ने भी बहुत सावधानी बरतते हुए शाहजी राजे को दक्षिण में भेज दिया था क्योंकि वो शाहजहां के लिए कोई खतरा पैदा न कर सके। लेकिन शाहजी राजे ने वहां पर भी खुद की काबिलियत पर आदिलशाही में सबसे ऊपर का पद हासिल कर लिया था। वहां पर शाहजी राजे को बंगलुरु में भेज दिया गया था और वहां से वो जागीर संभालते थे। सन 1638 में बीजापुर की सेना का नेतृत्व करते हुए राणा दुल्ला खान और शाहजी राजे ने केम्पोकोड़ा तीन को लड़ाई में पूरी तरह से हरा दिया था और बाद में फिर बेंगलोर का जागीर शाहजी राजे को दे दिया गया था। शाहजी राजे ने खुद के नेतृत्व में कई सारी लड़ाइयां लड़ी और दक्षिण के बहुत सारे राजाओं को लड़ाई में मात दी थी, लेकिन जितने भी राजाओं को शाहजी राजे ने हराया था उन सबको दंड देने या फांसी देने के बजाय उन्होंने उन सभी राजाओं को माफ कर दिया और उनके साथ मित्रता बढ़ाकर उनसे काम पड़ने पर लश्करी मदद मांगने का आश्वासन प्राप्त कर लिया था। आगे बेंगलोर से शाहजी राजे की अलग ही जिंदगी की शुरुआत होती है। उन्होंने पत्नी जीजाबाई और अपने छोटे बेटे शिवाजी महाराज को पुणे का जागीर संभालने के लिए उन्हें भेज दिया था। सुल्तान का शाहजी राजे पर पूरा भरोसा था। वो शिवाजी राजे को अपने राज्य का आधार मानते थे, लेकिन कुछ समय बाद ही शिवाजी महाराज ने पुणे के आजू बाजू के क्षेत्र में जिस प्रदेश पर आदिल शाह का नियंत्रण था उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। शिवाजी महाराज की हरकतों को देखकर आदिल शाह ने शाहजी राजे को फंसा कर जेल में डाल दिया था क्योंकि उसे लगा कि शाहजी राजे ने उनके बेटे शिवाजी को ऐसा काम करने के लिए प्रेरित किया होगा। जल्दी उसने शिवाजी महाराज और उनके भाई संभाजी महाराज को नियंत्रण में लाने के लिए दो बार लड़ाई लड़ी थी, लेकिन शिवाजी महाराज ने आदिल शाह की सेना को लड़ाई में पूरी तरह से हरा दिया था। कुछ समय के बाद आदिल शाह ने शाहजी राजे को कैद से रिहा कर दिया था, लेकिन एक लड़ाई के दौरान अफजल खान के विश्वासघात के कारण शिवाजी महाराज के बड़े भाई संभाजी महाराज मारे गए। उसके बाद शिवाजी महाराज ने खुद अफजल खान को मार डाला था। शाहजी राजे ने शुरुआत की कुछ लड़ाइयों में शिवाजी महाराज को सभी तरह से मदद की थी, खासतौर पर जब शिवाजी महाराज ने अफजल खान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तब शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज का मार्गदर्शन किया था। लेकिन सन 1665 में घोड़सवारी करते समय शाहजी महाराज की घोड़े पर से नीचे गिरने के कारण मौत हो गई। बहुत ही पराक्रमी और शूर होने के कारण उन्होंने अपने भोसले परिवार का नाम बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। तंजोर, कोल्हापुर और सातारा का पूरा प्रदेश भोसले परिवार के नियंत्रण में था। मराठा साम्राज्य की असली स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी, इस बात को सभी जानते हैं। मगर हम सब जानते हैं कि कोई भी बड़े काम की शुरुआत किसी छोटे से काम से शुरू होती है। ठीक उसी तरह शिवाजी महाराज के हिंदू स्वराज का सपना पूरा करने के लिए शिवाजी राजे महाराज ने
बहुत बड़ा योगदान दिया था। उन्होंने बचपन से शिवाजी महाराज सहित अपने सभी बेटों को अच्छा प्रशिक्षण दिया था, जिसके कारण सभी बेटे एक अच्छे प्रशासक, अच्छे योद्धा बन सके। साथ ही उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को अपनी संस्कृति और सभ्यता का भी ज्ञान दिया था, जिसके कारण एक मजबूत हिंदू स्वराज की स्थापना हो सकी। अगर शाहजी महाराज नहीं होते तो छत्रपति शिवाजी महाराज भी नहीं होते और न ही हिंदू स्वराज होता। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मित्रों, कमेंट्स के द्वारा आपकी राय हमें बताना ना भूले। आपके हर एक कमेंट को हम रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।